जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं हंसदास मठ गार्डन एयरपोर्ट रोड इंदौर में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 तक आयोजित हुए जनक नंदिनी साड़ी कंचन बाग इंदौर द्वारा प्रस्तुत जैन समाज एवं नारी शक्ति को समर्पित 5 दिवसीय केशरिया जैन गरबा मंच के सफलतम 7वें आयोजन की भव्य झलकियां। अब तक आप इस महोत्सव की 4 कड़ियां देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है आपके समक्ष पंचम और समापन दिवस के भावपूर्ण दृश्य, जिसमें आप देखेंगे इस भव्य आयोजन के समापन के मनोहर दृश्य। मैं संदीप पहाड़िया, संस्थापक केशरिया जैन गरबा मंच। ये केशरिया जैन गरबा मंच का 7वां सीजन है 9वें वर्ष में। केशरिया जैन गरबा मंच, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि समाज के जो नव युवा लोग हैं, वो लोग समाज के बीच में आए, समाज से जुड़े और समाज के साथ खेले और समाज के साथ संपर्क में रहे। इसी उद्देश्य को लेकर इस मंच का निर्माण किया गया था। जैन धर्म में श्वेतंबर, दिगंबर और अलग अनेक तरह की धार्मिक परंपरा है। हमने उन परंपराओं से अलग इस महोत्सव को सांस्कृतिक रूप से बनाने का फैसला किया और आज हम अपने उद्देश्य में सफल है। और यह जो हमारा मंच है, समाज के बच्चों को जोड़ रहा है, समाज के साथ भी जोड़ रहा है और आपस में भी कनेक्ट कर रहा है। जिनेन, मैं मधु सेठी, केसरिया टीम। जय जिनेन, मैं रुचि जैन, केसरिया टीम। जय जिनेन, कविता गंगवाल, केसरिया टीम। जय जिनेन, प्रीति मोदी, केसरिया टीम। जय जिनेन, रजनी जैन, केसरिया टीम। जय जिनेन, ज्योति सेठी, टीम केसरिया। जय जिनेन, शीतल पहाड़िया, टीम केसरिया। समय की डिमांड है, जमाना बदल गया है। आज का युवा वर्ग जो चाहता है, जो प्लेटफॉर्म चाहता है, उसके लिए अच्छा माहौल और अपने समाज में प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये हमारी जवाबदारी है और हमारा सामाजिक दायित्व है। केसरिया जैन गरबा मंच अपने उसी सामाजिक दायित्व को पूर्ण कर रहा है। मनोज काला, संयोजक केसरिया गरबा मंच। संजय सेठी, केसरिया जैन गरबा मंच। प्रफुल्ल गोधा, केसरिया गरबा मंच। आशीष गंगवाल, केसरिया मंच से। मैं ऋषभ जैन, केसरिया टीम से। जय जिनेन, गगन जैन, टीम केसरिया। जय जिनेन, राजकुमार पाटनी, केसरिया टीम। जय जिनेन, पवन झांझरी, टीम केसरिया। जय जिनेन्द्र, राजेश जैन दद्दू, केसरिया टीम। जय जिनेन्द्र, विनोद गंगवाल, केसरिया टीम। जय जिनेन्द्र, विजय सोगानी, टीम केसरिया। टीम केसरिया। जय जिनेन्द्र, नेहा जैन, टीम केसरिया और केसरिया जैन गरबा मंच, जो कि प्रतिवर्ष इसी तरह से यहां पर आयोजित होता है। आज यहां 2022 वर्ष का हम ये अंतिम दिवस मना रहे हैं। संदीप जी पहाड़िया, जो इसके संस्थापक हैं, हर साल इनके अथक प्रयासों से ये वर्ष सफल से सफलतम होता रहा है। समग्र जैन समाज के लिए जिस तरह से ये आयोजन होता है, उसके पीछे आपने क्या सोच रखते हुए इसे शुरू किया था? युवाओं को समाज से जोड़ना, यही एक सोच थी। साथ ही मेरा तो समाज के सभी संगठनों से निवेदन है, जस तरह से पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार जरूरी है, उसी तरह से हम जो मानव है, श्रावक है, उनका भी जीर्णोद्धार जरूरी है। उनको भी समाज से जोड़ना जरूरी है। अगर वो समाज से बाहर जाएंगे तो हमारे हजारों लाखों मंदिरों की देखरेख करने के लिए समाज में बच्चे कहाँ से लाएंगे हम? इसके लिए उनकी सोच के अनुसार हमें माहौल भी देना है और उन्हें धर्म से भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे या धर्म का स्वरूप बदलेंगे। धर्म का स्वरूप जो है वही रहेगा, लेकिन आज की पीढ़ी को जो मनोरंजन का साधन चाहिए, वो उसको समाज के विरुद्ध एक बहुत ही पारिवारिक सामाजिक माहौल में शुद्धता के साथ मिले, यही हमारी भावना है। जय जिनेन, केसरिया जैन गरबा मंच। यम नमः त्रिभुवनार्ती हरा यनाथ, तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यां नमः कृतगत परमेश्वराय, तुभ्यां नमो जिन भवो ददिशो शनाय। विश्व शांति के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिए। मैं आज केसरिया जैन गरबा मंच के माध्यम से संपूर्ण समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान महावीर का मां अम्बिका के विषय, जो 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, उस आयोजन में अवश्य सहभागिता करें।
ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 24 वर्षों बाद भगवान मूल नायक के अभिषेक करने का मौका आया है, इस अवसर को ना चुके, इस जीवन में यह अवसर दोबारा मिले ना मिले, आप शीघ्रता शीघ्र कलश अपना बुक कराए। और एक जन कल्याण कलश, जन मंगल कलश योजना है, उसमें 2000 रुपये में एक कूपन मिलेगा, उस 2000 की राशि से मानव सेवा होगी और 2000 की राशि के कूपन में से 120 लोगों को अभिषेक करने का मौका मिलेगा। तो अपने पुण्य को गाढ़ा करें और इस पुण्यशाली अवसर को न चुके। सभी सम्मान्य जनों के साथ हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन के साथ आज की इस शाम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच श्री एम के जैन साहब, आनंद जी गोधा और हर्षिल जी साहब शाह पधारे हुए हैं, साथ में संदीप जी पहाड़िया, मनोज जी काला, राजकुमार जी पाटनी, संजय जी सेठी, स्वीटी जी बाथम, गौरव जी पाटोदी, मनोज जी काला दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय श्री एम के जैन साहब। दांडिया रमवा आवो, प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे, प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे, रंग मा रंग मा रंग मारे, रंग मा रंग मा रंग मारे, प्रभु थारा ही वही जोश। जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कम मारिया, हमारी यार तारी कम मारिया। भगवान ने एक नायाब चीज बनाई,
उसके बाद भगवान ने एक खूबसूरत चीज बनाई, भगवान ने और एक चीज बनाई। क्यों चौंक गए? यहां इस वक्त हम जैसे किन्नरों की टोली को देखकर चौंक गए? चौंकिए मत, बस वही करिए जो सालों से करते आ रहे हैं। माँ बाप ने भी कर दिया पराया हमें, इस समाज ने भी ना अपनाया हमें, चौराहे पे ताली मारते फिरते हैं हम, कुछ लोगों ने हवस का शिकार बनाया हमें। या रब, आखिर तूने क्यों बनाया हमें?
तो दर्शकों, इस तरह केसरिया जैन गरबा मंच का ये 5 दिवसीय भव्य आयोजन यहाँ हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो जाता है। इसी के साथ हम विराम देते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला को। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।